हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 के साइंस ओलंपियाड को देखेंगे जो 2022 में हुआ था। ये इसका सेट ए था। सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये तीन सेट में आता है। ये स्कूल के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कौन सा सेट अपने स्कूल में कराना चाहे। तो ये सेट ए का देखो, इसमें हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे। अगर आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपके लिए 2023 का ओलंपियाड इजी हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, ये जो ओलंपियाड था थ्री सेक्शन में था। रीजनिंग पूछा जाता है इसमें 10 क्वेश्चंस, मतलब 10 मार्क्स का। साइंस का क्वेश्चन, साइंस में मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अचीवर सेक्शन है 5 क्वेश्चंस, जो तीनों सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से पूछा जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड कैसा है। रीजनिंग के क्वेश्चंस का थोड़ा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी साइंस के क्वेश्चन आप लोग देख लेना। एक बार मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को स्पीड कम करके इजीली एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन रेडी करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन से रिलेटेड आप 2-3 क्वेश्चन और देख लेंगे, इन्हीं 50 क्वेश्चंस का आप क्वेश्चन भी लर्न कर लेंगे, तो क्या पता आपको 2023 में 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए। मैंने ऑप्शन में टिक भी कर रखा है करेक्ट आंसर में, तो आप उस करेक्ट आंसर को लर्न कर सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट दी गई हैं उनको लर्न कर सकते हैं, ताकि आपको इस बार भी हेल्पफुल रहें ये जो ओलंपियाड है। अगर आप इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा इसका पीडीएफ अपलोड करने का। तो देख लीजिए, अचीवर सेक्शन इसका लास्ट है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में। तो ये 50 क्वेश्चंस था इसका। एक बार मैं आपको रीजनिंग का है उसका ट्रिक बता देता हूँ, कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आपको रीजनिंग के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में 20-25 मिनट आपका ये वेस्ट हो जाएगा, मतलब वेस्ट तो नहीं होगा, टाइम लग जाता है। अगर आपको ट्रिक पता होगी तो आप ये क्वेश्चंस जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो आपको इसमें क्या है कि पहले तो स्टेटमेंट लॉजिक रीजनिंग में क्या है, आपको अच्छे से स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसको जो है मतलब इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। जैसे ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो आप ए को सबसे टॉप में लिख लीजिए, ये इसका बेटा है बी, ठीक है। ए इज़ सन ऑफ बी, अच्छा ए प्लस बी का मतलब आपको इनका मीनिंग समझना होगा कि इनका मीनिंग क्या है। मेनली जो ये सिंबल रहते हैं, इन सिंबल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या क्या बोला गया, मतलब एट द रेट का मतलब है कि आगे वाला फादर है, पीछे वाला सन है, ठीक है। प्लस का क्या मतलब है कि आगे वाला सन है, पीछे वाला उसका फादर है, ठीक है। डॉलर का क्या मतलब है, ए डॉलर बी का मतलब ए इज डॉटर, तो ए डॉटर है, बी इसका फादर या मदर जो भी है। परसेंटेज, परसेंटेज का क्या मतलब है, आगे वाला मदर है, दूसरा उसका सन है। और एंड, एंड का क्या मतलब है, हस्बैंड, तो आगे वाला हस्बैंड, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, आगे वाला हस्बैंड है, पीछे वाला उसका सन है। तो इन्हीं स्टेटमेंट को देख के आप इधर रखिए और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। आप रखेंगे तो पी जैसे परसेंटेज है, पी इज मदर ऑफ़ क्यू, ऐसे हो जाएगा, पी इज मदर ऑफ़ क्यू।
प्लस का मतलब क्यू इज सन ऑफ आर, क्यू इज सन ऑफ आर, ऐसे आप सोल्व करेंगे तो आप इसका आंसर इजीली आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है, सीटिंग अरेंजमेंट का है। क्या पूछा गया, इफ़ ऑल द सी आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, मतलब सी को हटाया गया है, आप क्या कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, सभी सी को क्रॉस कर दीजिए। अभी पूछा गया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से मतलब ए से फिफ्थ बताना है किसका, लेफ्ट ऑफ थर्ड लेटर, लेफ्ट वन टू थ्री, थ्री बी का, बी का लेफ्ट में फिफ्थ वन टू थ्री फोर फाइव, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है फिर उसका आंसर देना है। अब जैसे थर्ड वाला है तो यहाँ आपको क्या है दिया मिलेगा, ए स्टैंड्स फॉर प्लस, ए का मतलब है प्लस, तो आप ये जो फॉर्मूला होता है बोर्ड मास, इसमें आपको बोर्ड मास लगाना है, बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, ब्रैकेट नहीं तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो जिसके लिए दिया गया बी के लिए माइनस दिया गया है तो आप इधर माइनस लगा दीजिए, तो सबसे पहले डिवाइड करना है उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही क्वेश्चन फोर है, मतलब ऐसा फिगर ढूंढना है जिसमें कि एक सर्कल ऐसा हो जो ट्राइंगल और सर्कल के साथ हो, ओनली ट्राइंगल और सर्कल में हो, जैसे ये इधर हो गया, एक डॉट ऐसा चाहिए जो ओनली सर्कल और रेक्टेंगल में हो, देखो तो सर्कल और रेक्टेंगल में ये हो गया, एक डॉट ऐसा चाहिए जो तीनों में हो, तो तीनों में अगर कहाँ होगा, जब आप कहाँ लगाएंगे कि वो डॉट तीनों में नहीं हो, तो इसमें ऐसा कोई डॉट नहीं है जो तीनों में हो जाए, तो ये इसने पूछा था विच डज नॉट सेटिस्फाई, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए, बाकी में हो जाएगा, एक डॉट ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, जैसे सर्कल रेक्टेंगल का हो गया, सर्कल ट्राइंगल का हो गया, तीनों का ये हो जाएगा, सर्कल ट्राइंगल का हो गया, सर्कल रेक्टेंगल का हो गया, तीनों का ये इधर हो गया, तो पूछा गया था विच डज नॉट सेटिस्फाई, तो इसमें आपको देखना है कि ये डॉट दिए गए स्टेटमेंट में आ रहे हैं कि नहीं, तो आप बाकी क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हो अगर आप इनको अच्छे से समझेंगे। मैंने आंसर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं करेक्ट आंसर को टिक करते चल रहा हूँ, आप उनका प्रैक्टिस कीजिए और इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आप चार पांच क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए तो आपके लिए ये ओलंपियाड अच्छा रहेगा। इसका करेक्ट आंसर ये, इसमें फोल्ड दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, तुरंत एक पेपर ले लेंगे और जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे अगर आप खुद हाथ से करेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, आपके लिए राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें ये हो जाएगा, ये दिया गया है, एक बार इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, वर्टिकल कर दिया, एक बार दोनों डार्क कर दिया, एक बार एक डार्क कर दिया, फिर उसको घुमा दिया, ठीक है, ये इतना हार्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में देखो सर्कल गिनना है, तो मेरे ख्याल से जब भी ऐसा कोई शेप आएगा ना उसमें आपसे मान लो ट्राइंगल पूछा जाता है तो ये आंसर ही आपको देखने को मिलेगा, मोर देन, मोर देन जहाँ लिखा होगा आंखें बंद करके आप उसमें लगा दीजिए। उसके बाद 9 वाला है, लॉजिकल सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको देखना है इसका करेक्ट आंसर ढूंढना है, पहले तो पेशेंट होता है, पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको डायग्नोसिस करेगा, उसको पहचानेगा, फिर उसका ट्रीटमेंट करेगा और आफ्टर सम डेज द पेशेंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस, तो ऐसे ऐसे ये हैं। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है, इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, इसका ट्रिक ये है जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आप अपने आप को मानो, इसमें ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, इसमें आप जो भी बोला गया स्टेटमेंट में वो आप अपने आप को मान के चलिए, यहाँ जाएंगे नॉर्थ में तो आपका ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट, इधर जाएंगे जब आप खुद चल के देखेंगे तो ये राइट होगा, ये ऊपर वाला लेफ्ट होगा, ठीक है, खुद को मानिए और फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलिए तो आपका वो इजी रहेगा। उसके बाद साइंस का क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ फिजिक्स का क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलेगा और बायोलॉजी का भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको मैं तो यही कहूँगा कि आप इन क्वेश्चन का जितना हो सके इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आप प्रैक्टिस कीजिए तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा।
जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप ये देख लीजिए कि आपको किसका, मान लो आपको एक एक्स का आंसर अच्छे से पता है कि लस्ट्रस फाइबर यूज टू मेक कार सीट बेल्ट एंड स्लीपिंग बैग्स, वो नायलॉन होता है। अब देखिए नायलॉन तीनों में नहीं है और इसका करेक्ट आंसर नायलॉन होता है, तो आपको ये आगे वाले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आंखें बंद करके ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे। यही चीज़ आपको अचीवर सेक्शन में करनी है, क्योंकि नायलॉन तो पहले वाले में दे ही नहीं रखा, तो तीनों अपने आप ये रॉन्ग हो जाएंगे और करेक्ट ये हो जाएगा। आपको इन दोनों का आता है नहीं आता वो क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही 29 में है, यही जो ट्रिक है 29 में भी काम करेगी। देखिए पेट्रोलियम आंसर दो में है, तो मान लो पहले का आंसर पेट्रोलियम था, ठीक है, उसके आप सेकंड में जाएंगे, सेकंड में तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे ना, क्योंकि इनमें पेट्रोलियम नहीं था, तो दो ऑप्शन तो मतलब कट हो गए। अभी सेकंड वाला देखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफाइनिंग, ठीक है, रिफाइनिंग होता है, कार्बोनाइजेशन नहीं होता। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसमें टिक कर देंगे। तो ऐसे ही बस यही एक मेन चीज़ है इस एग्ज़ाम में कि आपको क्वेश्चंस को समझना है। जिसमें भी तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका देख लीजिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपको या सेकंड आता है या थर्ड आता है, ऐसे ही जैसे 39 है, 39 में सेम ट्रिक काम करेगी। मान लो आपको पहले का आंसर पता है, तो इसमें हालांकि कंपोस्ट कंपोस्ट दो दिया गया है, तो ये दोनों तो आंसर से गायब हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में से एक, ये इनमें कंपोस्ट नहीं है। कंपोस्ट इज अ काइंड ऑफ मैनर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिग्रेडिंग द डंग डोमेस्टिक। सेकंड में फर्टिलाइजर आर रिच इन, तो फर्टिलाइजर में ज़्यादातर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम नहीं होता। अगर मान लो आपको ये बात पता है तो तीसरे में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसमें करेक्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अब अचीवर सेक्शन का मैं बताया था कि इसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, तो इसका ट्रिक यही है जो मैं पहले बता दिया हूं। मान लो आपको ये वाला पहला आंसर आपका ये बन रहा था, मान लो डायरेक्टली बन रहा था, आपको पता है कि मैं करेक्ट हूं, डायरेक्टली मेरा सही है, तो देखो तीनों में क्या दे रखा है, इन्वर्सली इन्वर्सली इन्वर्सली, तो मतलब तीनों का रॉन्ग हो जाएगा और करेक्ट आंसर आपको आगे जाने का, आगे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसमें टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अपना टाइम बचाना है तो आप इस क्वेश्चन पेपर में ये ट्रिक ज़रूर अपनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 50 में है, क्वेश्चन मान लो आपको फर्स्ट का, इसमें टू आंसर पता है आपको, कोई भी दो आंसर पता है, मान लो वन और टू पता है कि ये दोनों करेक्ट हैं, तो देख लीजिए कि किस ऑप्शन में वन और टू है ओनली, तो वो देख लीजिए, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था क्लास 9 का नेशनल साइंस ओलंपियाड, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप 2023 में देने जा रहे हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर भी याद कर लेते हैं तो आपको 6-7 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे, और बाकी चीज़ आप इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड 6-7 क्वेश्चन को तैयार कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और आप अच्छा स्कोर इसमें गेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।